तो स्टूडेंट्स, आपको ये डेमोग्राफिक समझाने का मतलब ये था कि जनसंख्या नहीं, जनसंख्या की संरचना को समझना जरूरी है। अब आपका एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है कि ब्लेसिंग है, या वाई इज पॉपुलेशन अ मिक्स ब्लेसिंग, जनसंख्या वरदान है कि अभिशाप है, या यही क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जनसंख्या किस प्रकार आर्थिक विकास में एक बाधा है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आपस में जुड़े हुए हैं। अब जनरली एक सवाल उठता है कि क्या जनसंख्या अपने आप में बाधा है या जनसंख्या अभिशाप है। पॉपुलेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये बून है कि बेन है, बून है कि बेन है, वरदान है कि अभिशाप है, वरदान है कि श्राप है, ये आर्थिक विकास में किस प्रकार बाधा डालती है, या जनसंख्या की समस्या को समझाइए, या जनसंख्या किस प्रकार समस्या है। ये जो चीजें हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। दो बातें यहां पे हम देखते हैं कि बून है कि बेन है, यानी कि वरदान है कि श्राप है, नुकसानदायक है जनसंख्या कि फायदेमंद है जनसंख्या। जनरली क्या है, जब ये जनसंख्या शब्द आता है तो हमको पता है एक समस्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, जनसंख्या को इसी तरीके से देखा जाता है। और आर्थिक विकास में जनसंख्या बाधा है, जो ज्यादा बड़ी हुई जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट है, वो हमारे देश पे बोझ है, ये हम हर जगह पढ़ते हैं। तो हम आज स्टार्ट कहां से करते हैं, हम करते हैं वरदान से, कैसे ब्लेसिंग है। इसका थोड़ा सा हिंट पहले वीडियो में आपको दिया है, आज थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं आपको। बून यानी कि वरदान एक ब्लेसिंग कैसे है, एडवांटेज क्या है जनसंख्या का, बढ़ती हुई जनसंख्या के फायदे क्या हैं। तो एक चीज मैंने आपको बताई कि वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बताई थी आपको मैंने, कार्यशील जनसंख्या। देखिए, जो लोग काम करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, जो लोग सेना के अंदर जाते हैं, डिफेंस के अंदर जाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो सब लोग आते कहाँ से, जनसंख्या से ही आते हैं। जनसंख्या का वो हिस्सा जो निपुण है, जो काम करने में सक्षम है, वो है वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम करते हैं जनसंख्या में। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर संभावना ज्यादा रहती है कि कार्यशील जनसंख्या ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्यशील जनसंख्या है या जो पॉपुलेशन के लोग जो काम में लगे हुए हैं, यहाँ पे हमको डेमोग्राफिक्स देखना बहुत जरूरी है कि ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसमें कितने लोग सक्षम हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग स्किल्ड हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, जेंडर गैप क्या है, इस वर्किंग पॉपुलेशन में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने वो शिक्षित हैं, कितने सक्षम हैं, शिक्षा से मतलब वो साइंस में, मैथ्स में, टेक्नोलॉजी में कितने एफिशिएंट है, कितने लोग स्किल्ड हैं, अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं कि नहीं, ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं, मजदूर हैं तो मजदूर कितने सक्षम हैं, टेक्नोलॉजी में कितने इक्विप्ड हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं कि नहीं। तो जनसंख्या में अगर लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वोकेशनल एजुकेशन अच्छी है, टेक्निकल स्किल अच्छा है, काम करने में अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, तो वो वरदान बनेगा। भारत में ये देखा गया है, भारत में जनसंख्या तो बहुत है, काम करने वाले मजदूर तो बहुत हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं है, स्किल्ड नहीं है। अगर विदेशों के मुकाबले देखा जाए तो एक चौथाई ही भारत का जो मजदूर है वो, अगर विदेशों के मुकाबले देखा जाए तो भारतीय मजदूर 1/4 कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि एक सर्वे किया गया था, उसमें देखा गया था यूरोप का मजदूर है, यूरोप का मजदूर है उसको जितना काम आता है, जितनी उसकी गुणवत्ता है, जितना स्किल है, भारतीय मजदूर एक चौथाई ही उसको स्किल आता है। तो अगर अनुपात में देखें तो वहां का मजदूर है, जो विदेशी मजदूर है, अमेरिका का है, यूरोप का है, वो ज्यादा स्किल है, ज्यादा सक्षम है, ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, उसमें एफिशिएंसी गुणवत्ता ज्यादा है, हमारे मजदूरों में गुणवत्ता कम है, स्किल कम है। ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि भारत में किसी कंपनी खोली गई, कोई इंडस्ट्री खोली गई, लेकिन भारत में इतने मजदूर होने के बाद, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए विदेशों से कारीगर मंगाए गए। तो वैसे में जनसंख्या की क्या है, वो तो बोझ ही होगी। तो अगर स्किल है, वर्कर है, अच्छे एम्प्लॉयड है, इंटेलिजेंट है, तब ये वर्किंग पॉपुलेशन होगी। और वर्किंग पॉपुलेशन जिस देश की अच्छी है, युवा जिस देश में ज्यादा है, भारत के लिए एक एडवांटेज ये है कि भारत सबसे युवा देशों में से एक है। यानी कि भारत में जो जनसंख्या है उसमें युवा लोग हैं, 18 से ऊपर वाले और 60 से कम वाले जो लोग हैं, जो
वो हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, एवरेज एज 25 की आ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे लोग जो हैं युवा हैं वो तो जनसंख्या के अनुसार बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा, जब क्या होगा, स्किल होगा, जब स्किल होगा कब मिलेगा, जब हमारे मजदूर कुशल होंगे, हमारे लोग इंटेलिजेंट होंगे, स्किल होंगे। आज आप देख सकते हैं भारत की जो जनसंख्या है, इसके ये जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशों में काम करते हैं, भारत से बहुत सारे मजदूर दुबई में जा रहे हैं, ये जो लोग विदेशों में जाते हैं तो ये रेमिटेंसेस भेजते हैं बाहर से, अपने कमाई का हिस्सा कुछ भारत में भेजते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है। भारत से बहुत सारी नर्सेज हैं, हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं, वो मिडिल ईस्ट में गए हुए हैं, भारत के बहुत सारे लोग नासा में काम करते हैं। तो अगर पढ़े लिखे हैं, दक्ष हैं, तो विदेशों में जाएंगे, भारत का नाम करेंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ से कुछ पैसा भी कमाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्निंग होगी, वो भी भारत में आएगी। तो अगर दक्ष हैं, एजुकेटेड हैं, तो ये जनसंख्या वरदान बन सकती है, निर्भर करता है कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज आती है मार्केट। बाजार, आज देखिए कि पहले भारत की वैल्यू इतनी कम होती थी, जैसे जैसे हमारे देश की आमदनी बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा, आज हमारे देश में लोग बहुत मांग करते हैं, हमारे देश में मांग अच्छी है, विदेशी वस्तुओं की मांग भी अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट्स की भी मांग अच्छी है। तो दुनिया जो है हमको एक बड़े बाजार की तरह देखती है। पहले हम क्या है, दान पे चलते थे, फॉरेन एड पे चलते थे, लेकिन आज हमारी खुद की अर्निंग काफी बढ़ गई है पिछले कई सालों में, पिछले दो दशकों में, खासकर की 1991 के रिफॉर्म्स के बाद। तो अब जो विदेश है हमको बाजार की तरह देखता है, इसीलिए जो बड़े शक्तिशाली देश माने जाते हैं, अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप भी है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री से इज्जत से बात करते हैं। उसका एक कारण है बिजनेस। दुनिया भर के देश भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, भारत में बहुत ज्यादा कंज्यूमर है, ये 121 करोड़ जो अब 138 करोड़ हो गए हैं अंदाजे से, वो क्या है, इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, वो ग्राहक हैं इन वस्तुओं के। तो हमारा जो बाजार है दुनिया को लुभाता है, आकर्षित करता है, तो हमारी वैल्यू भी देखते हैं, तो वहाँ के जो बिजनेस है यहाँ पे सेटअप होना चाहते हैं, क्यों सेटअप होना चाहते हैं, एक तो उनको यहाँ से मैन पावर मिलने की संभावना है, भारत से मजदूर मिल सकते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे के चाइना की जगह हम भारत में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे हमारा सामान बिक जाएगा, कंज्यूमर्स हैं भारत के अंदर। तो देखिए मार्केट की वजह से, जो जनसंख्या की वजह से, वर्किंग पॉपुलेशन कर लो या मार्केट कर लो, आज दुनिया भर के देश भारत की थोड़ी इज्जत भी करने लगे। तो दुनिया में हमारी जनसंख्या की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, कहीं ना कहीं वहां पर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। फिर एक चीज आती है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राजनीतिक प्रभाव। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आता है। देखिए आर्थिक जो है, देखिए आर्थिक आर्थिक प्रदेश के पीछे, देखिए आर्थिक चीजों के पीछे कई बार पॉलिटिकल चीजें भी छुपी रहती हैं। आज दुनिया का कोई भी देश हमको इग्नोर नहीं कर सकता, जनसंख्या के हिसाब से हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कई मायने में हम बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। तो हमारा कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव है, दुनिया के मंच पे इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो दुनिया में जब हम राजनीतिक दबाव भी डालते हैं दूसरे देशों में, हमारे खिलाफ कुछ कार्य करना हो, कोई एक्शन लेना हो, उन पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आज के टाइम में जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो पॉलिटिकल प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, ये भी दुनिया पर प्रभाव डालता है, दुनिया के देश हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं, जैसे पहले हमको ट्रीट करते थे आज वैसे नहीं कर सकते। तो ये जनसंख्या के कुछ पॉजिटिव्स हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, मार्केट और राजनीतिक प्रभाव, लेकिन ये वरदान कब होगा, इसके पीछे छुपा हुआ है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। जनसंख्या का क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, जिनको हम डेमोग्राफिक्स में मैंने बताया था आपको, वो अगर हमारे अनुकूल होंगे तब तो ये फायदा देगा, वरना ये फायदा नहीं देगा। अनुकूल से मतलब उसके कई सारे आंकड़े मैंने बताए थे आपको कि उसके अंदर लिटरेसी आती है, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो ये वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होंगे, और अगर हमारे लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, जहाँ भी जाएंगे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का, चाहे खेलों में प्रतिनिधित्व करें, चाहे वो डिफेंस में हमारी जो आर्मी है उसका डिसिप्लिन है बॉर्डर पे, चाहे हमारे खिलाड़ी हैं विदेशों में जाएं, चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, हमारे एम्बेसडर्स हों, हमारे लोग बाहर काम करते हों, वो कितने पॉलिटिकली अवेयर हैं, कितने समझदार हैं, क्या उनमें नैतिक आचरण है उनका, ये हमारे राजनीतिक प्रभाव को बताएगा, हमारे सांस्कृतिक प्रभाव को बताएगा, और हमारे कंज्यूमर्स, हमारे जो इनकम लेवल बढ़ेंगे, तो कितनी इनकम लेवल बढ़ रही है
उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आमदनी भारत की बहुत बड़ी, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें एक चीज देखने को मिली काफी सालों में, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कैसे वितरण हुआ है उस आय का। तो अमीर और अमीर होता जाए, टॉप लोग ही पैसा उसको रखें तो वो क्या करेंगे, लोगों में बांटेंगे नहीं, लोग बिल्कुल गरीब लोग होगा तो उनका वो ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट के तौर पर डेवलप होने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। वो जो आमदनी बढ़ी है वो भ्रष्टाचार में ना चली जाए, करप्शन में ना चली जाए, कुछ ही लोगों के पॉकेट्स में ना चली जाए। अगर उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जनसाधारण के पास हो जाएगा तभी वो उसको मार्केट में कन्वर्ट कर पाएंगे, उस पर खर्चा कर पाएंगे। अगर इनकम जनरेट हो रही है और जनता तक नहीं पहुंच रहा उसका फायदा, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा है और वो कुछ लोग उसको कब्जा करके बैठे हैं, चाहे उसका करप्शन हो रहा है, ब्लैक मनी बन रहा है, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो ये जो वरदान बनने के लिए क्या जरूरी है कि लोगों में अवेकनिंग हो, उसका स्ट्रक्चर है जनसंख्या का। भीड़ से हमको कोई लेना देना नहीं है, भीड़ हमारे किसी काम नहीं आने वाली। हम यहाँ भीड़ की, जनसंख्या की, लंबर्स की बात नहीं करें, हम यहाँ 121 करोड़ की गणना की बात नहीं करें, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सेक्स रेशो क्या है, लिंगानुपात क्या है, महिलाएं कितनी है, कितनी नौकरियों में है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पॉलिटिक्स में है। उस जनसंख्या के अंदर जो महिलाएं हैं कितनी पढ़ी लिखी है, नौकरियों में कितनी है, पॉलिटिक्स में कितनी है, जो लोग हैं वो उनका हेल्थ एजुकेशन लेवल कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो वो जो संरचना है, जो आंकड़े हमने देखे, वो महत्वपूर्ण है। रूरल अर्बन रेशियो कैसा है, अगर शहर भी नए बस रहे हैं, शहरों में लोग ज्यादा जा रहे हैं तो वहां पे क्या उनका अर्बनाइजेशन कैसा है, ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसकी संरचना में सब कुछ छुपा हुआ है, नंबर्स में कुछ भी नहीं छुपा हुआ। तो दो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, मात्रात्मक पहलू, एक होता है गुणात्मक पहलू। तो जब इसको वरदान की तरह देखना है तो हमको यहाँ भी ये देखना है इसका गुणात्मक पहलू क्या है। आप जब पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसका क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट क्या है, कितने नंबर हैं, कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई, अब 138 करोड़ हो गई, ये समस्या होगी, समस्या का ये कारण है और पेपर में आपने लिख दिया। उसकी जगह ये जानना भी जरूरी है कि कैसे उसकी संरचना है, कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, कहाँ पे कितने रूरल अर्बन है, किस भारत के किस हिस्से में कितने गांव ज्यादा बसे हैं, किस हिस्से में गांव कम बसे हैं, किस हिस्से में शहरीकरण ज्यादा हुआ है। तो हर जिले का, हर जगह का, हर राज्य का आंकड़ा किस प्रकार का है, वो सोच और वो समझ ही पॉलिटिशियंस को हेल्प करती है अपनी नीतियों के लिए, वो बिजनेस को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, और हम भी आपस में जहाँ रहते हैं, हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ के भी हमको डेमोग्राफिक्स का पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये थी उसके पॉजिटिव पहलू क्या है, जनसंख्या से अच्छा क्या कर सकते हैं, और समस्याएं हैं, शराब कैसी है, वो तो बहुत सारी चीज़ों का आपका नॉलेज भी है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी। सबसे पहली बात तो जनसंख्या को देख के हमको दिमाग में आती है बेरोजगारी, कितने सारे लोग हैं, इन सबको काम कैसे मिलेगा। हम भी अब पढ़ रहे हैं, आप लोग सब जो है, अब आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो पहली चीज आपके दिमाग में जॉब ही आ रही होगी, पढ़े लिखे और नौकरी लगे, तो उसमें क्या है, जनसंख्या ज्यादा होगी, सीटें कम होंगी, तो चांस कम है, खास करके गवर्नमेंट जॉब में और भी कम है, बाकी जगह भी आपको कॉम्पिटिशन काफी फेस करना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी और उसके अनुपात में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, और वो बढ़ भी नहीं सकती, अगर जनसंख्या ग्रेट बहुत ज्यादा है तो जॉब जनरेट जल्दी से नहीं होंगे, तो बेरोजगारी की समस्या आएगी। और भारत में इस समय सबसे बड़ी समस्या जो मानी जा रही है, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, वो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और पोस्ट कोविड, ये जो कोविड का दौर चल रहा है, इसके बाद तो बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ने वाली, लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, जॉब चली गई हैं, खास करके जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई हैं, वापस उनमें मजदूरों का आना, वापस माइग्रेट करना, माइग्रेशन की जो समस्या हुई है, एक जगह से दूसरी जगह गए। अब आपने जनसंख्या का ये रूप भी देखा होगा, बेरोजगारी तो बढ़ी लेकिन कितने मजदूर आपने देखे सड़कों पर घूम रहे थे, उनको ले आना ले जाना भी कितना मुश्किल हो गया, इतनी बड़ी जनसंख्या का कंट्रोल कैसे किया कोविड के टाइम, ये भी कितना मुश्किल था। तो कोरोना के टाइम हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या का कंट्रोल करना, नौकरियों का कंट्रोल करना, जॉब्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है माइग्रेशन की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह गई जॉब्स वापस बिखर गए, वो कैसे होगा, वो सब समस्याएं हमको बहुत बड़ी जनसंख्या होती है तब आती। फिर है गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी के बारे में पहले भी मैंने एक बात आपको बताई, इसको कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का कुचक्र। जब निर्धनता पढ़ेंगे तो दोबारा अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक बार बता दूं, ये जो पॉपुलेशन की समस्या हम पढ़ रहे हैं और जो पॉवर्टी की समस्या जुड़ी हुई है, गरीबी की वजह से
जनसंख्या बढ़ने के कारण जनसंख्या बढ़ने का एक कारण गरीबी रहता है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से गरीबी और बढ़ जाती है। आपको यह भी मैंने पहले भी बताया, दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि दुनिया की हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, पीपीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और वैसे नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से डॉलर्स के अंदर हम दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में आते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से जब वो पैसा बढ़ता है लोगों में, इतनी बड़ी जनसंख्या में 121 करोड़, और जो अब 138 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, उसमें जब बढ़ता है तो बहुत कम लोगों के पास रह जाता है, तो पर कैपिटा इनकम गिर जाती है, बहुत गरीबी बढ़ती है, क्योंकि साधन है हमारे सीमित और जनसंख्या इतनी ज्यादा। तो जब तक नए साधन हम जनरेट नहीं करते, जनसंख्या अगर बढ़ती रहेगी इसी दर से, तो आगे वाली पीढ़ियों को भरपेट भोजन करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है, पावर्टी, गरीबी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये तीनों आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये तीनों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इनको एक साथ एक एक करके पढ़ रहे हैं। आपस में इनका कनेक्शन भी समझना बहुत जरूरी है। एक चीज रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत सेवाएं, जैसे कि हॉस्पिटल हैं, जैसे कि स्कूल हैं, सड़कें हैं, डैम्स हैं, रोड्स हैं, ये सब जो चीजें आती हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। एक व्यक्ति को कितनी सुविधाएं मिलेंगी वो सब इस बात पर निर्भर करता है, सुविधाएं कितनी, जनसंख्या कितनी है। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, खासकर जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बोझ पड़ जाता है। बहुत ज्यादा लोग हैं हॉस्पिटल की लाइन में लगे हुए हैं तो ढंग से उनको इलाज नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो टीचर भी ध्यान नहीं दे पाएगा, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो डिफेंस भी बड़ी करनी पड़ेगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे इलेक्शंस हुए थे अभी, तो ज्यादा जनसंख्या होगी, जहां पे ज्यादा वोटर्स होंगे वहां ज्यादा पुलिस एम्प्लॉय डिप्लॉय करनी पड़ेगी, उनको सैलरी वगैरह भी देनी पड़ेगी, उसके लिए सरकार पे खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग होंगे वहां पर ये जो आधारभूत ढांचा है उतना ही चरमरा जाएगा, इनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आती है, साधनों की समस्या आती है, पूरे साधन नहीं होते, ये समस्या है जो बढ़ती जनसंख्या से आती है। एक समस्या आती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो उनको नियंत्रित में रखना, लोगों को नियंत्रित में रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो जनसंख्या बढ़ने से ये समस्या हमारे पास आती है, कुछ और छोटी मोटी समस्याएं भी हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन ये मेन समस्या है, एक तो बेरोजगारी की समस्या, एक गरीबी की समस्या, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा सके, लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके, तो कम लोग होंगे और वही सुविधाएं उनको मिलेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, ज्यादा जनसंख्या होगी बोझ बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर जाएंगे। अब सारा जो खेल है कि ये श्राप होगा या ये वरदान होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस जनसंख्या को किस दिशा में मोड़ते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर लोग, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में करना जरूरी है, जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। अब जो बढ़ रही है जनसंख्या, जितनी बढ़ेगी कुछ रेट पे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी बढ़ेगी, अचानक से उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते आप, जितना करना पॉसिबल है उतना ही कर पाएंगे। अब वो जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनको कैसे शिक्षित करते हैं, अगर हम उनको अच्छा पढ़ाएंगे, उनको अच्छा शिक्षित देंगे तो वो दूसरे देशों में जाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, साथ में आमदनी भी भारत में भेजेंगे, रिमिटेंसेस भी आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न होगा। अगर उसका जो प्रोपोजिशन है वो हम सुधारें, कि मान लीजिए भविष्य में, मैंने आपको बताया सेक्स रेशो होता है, तो एक तो नॉर्मल सेक्स रेशो मैंने बताया 940 है, अब 0 से 6 का है, या भविष्य में जो बच्चे पैदा, नए बच्चे पैदा होंगे उनमें अगर लड़कियां ज्यादा होती हैं, सेक्स रेशो सुधरता है तो कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर जो भविष्य में अगर ये सेक्स रेशो और बिगड़ता जाता है, अगर इसमें और गिरावट आती जाती है, तो फिर जनसंख्या बढ़ने के साथ हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर सेक्स रेशो सुधरता है तब ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को हम एजुकेट कर पाते हैं, सेक्स रेशो कैसा रहता है, लिटरेसी लेवल कैसे रहता है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन कैसी रहती है। यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा आता है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या आ रही है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की समस्या आ रही है, शहरीकरण, नगरीकरण जिसको कहते हैं, उसकी एक समस्या आती है। गांवों से आज बहुत सारे लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, शहरों में जाते हैं, लेकिन शहरों में इतनी सुविधाएं नहीं होती, उनको एक समस्या आती है, रहने की समस्या आती है, खाने पीने की समस्या आती है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे जगह में ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, वहां पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आएगी, तो ये सारी समस्याएं उनको आती हैं।
एक बढ़ती हुई जनसंख्या से हाउसिंग प्रॉब्लम आज बहुत बढ़ी है, घरों की समस्या है। एक तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है भारत के अंदर, दूसरा क्या नाम है, लोग छोटे छोटे परिवारों में बन रहे हैं तो घरों की समस्या भी आ रही है। हर व्यक्ति अपना परिवार छोटा परिवार अलग करता है और अपना अलग घर बनाता है तो घरों की समस्या आ रही है। जमीन की समस्या आ रही है, रियल एस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है, जमीन महंगी होती जा रही है तो आम आदमी जो गरीब आदमी उसके लिए मकान अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहा है तो उसकी स्थिति बहुत बुरी है। अर्बनाइजेशन होता है, लोग शहरों की तरफ भागते हैं गाँव से, तो इसकी वजह से जो लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में वो भी डिस्प्लेस हो जाते हैं और भी कई इससे दुष्परिणाम होते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई में सबसे बड़ा स्लम है, तो ये जो इतने बड़े बड़े स्लम बन रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ बन रही हैं, शहरों में लोगों के पास जगह नहीं है, गरीबों के लिए समस्या ये और भी ज़्यादा बढ़ी है। गाँवों से लोग शहरों में आते हैं, उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन की और हाउसिंग की समस्या भी आती है। अब ये जो सारी समस्याएं हैं और सारे पॉजिटिव्स हैं ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकार की नीति कैसी होगी, दूसरा हम कैसे उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस दिशा में जाती हैं, वरदान की तरफ जाती हैं और शराब की तरफ जाती हैं, आर्थिक विकास की तरफ जाती हैं कि आर्थिक विकास में बाधा बनती हैं, ये इस बात पर निर्भर भी बनाई गई है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। और वो सब तो करना ही है लेकिन साथ साथ सरकार भी ऐसा प्रयास करती है और जनता को भी उसमें सहयोग करना चाहिए कि उसकी जो संरचना है उसमें कुछ परिवर्तन आए, सेक्स रेशो में इम्प्रूवमेंट आए, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन में आए और हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के वर्ग के लोगों को बराबर का स्थान मिले उस जनसंख्या में और उसके जो उसकी जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसका बंटवारा भी बराबर हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी ये समस्या से कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगी। थैंक यू।